गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ वर्क बुक ऑफ क्लास 8। अब वी आर कंटिन्यू चैप्टर 6 एंड वर्कशीट 6.8। दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स। सो दैट 3675 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ऑल्सो सो दैट हाउ कैन वी मेड अ स्क्वायर नंबर। सो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 3675 फ्रॉम 3 टू 1225 टाइम्स, फ्रॉम 4 245 टाइम्स, अगेन 5 49 टाइम्स, देन 7 टाइम्स, देन 7 1 टाइम, सो 3 5 5 7 7, दीज आर द फैक्टर्स। सो नाउ सी द फैक्टर्स, दे आर टू पेयर्स एंड 3 इज लेफ्ट। वाइल ग्रुपिंग इन टू पेयर्स वी फाउंड दैट 3 इज लेफ्ट अलोन, दे आर नो एनी पेयर ऑफ 3, सो 3675 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक अ स्क्वायर वी मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3675। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 रुपीज इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो स्टूडेंट लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास। देन फंड गिवन बाई ईच स्टूडेंट ऑल्सो एक्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2401। सो नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रुपीज 2401 स्क्वायर रूट ऑफ 2401। सो फॉर 7 टाइम्स 343, अगेन डिवाइड बाई 7 टाइम्स, डिवाइड बाई 7 49 टाइम्स, अगेन डिवाइड बाई 7 7 टाइम्स, नेक्स्ट टाइम 7 इज 1 टाइम्स। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 2401 इज 7777। सो द पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ 7, दिस इज फोर, दैट इज 49। सो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट अंडर रूट 5 विद अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सो फर्स्ट वी डिवाइड बाई 2, 2 टू 4, 1 इज लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, 2 प्लस 2 इज 4, नाउ वी इज नो एनी डिजिट आफ्टर दैट, सो वी पुट डेसिमल एंड राइट टू पेयर ऑफ 0। सो वी राइट द पेयर ऑफ 0, देन मल्टीप्लाई बाई 2 एंड हेयर बोथ ऑल्सो, सो 42 मल्टीप्लाई 2 इज 84, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गॉट 16। नाउ द राइट नेक्स्ट पेयर ऑफ 0, सो 42 प्लस 2 इज 44, अगेन डिवाइड बाई 3, 443 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 1329, अगेन आफ्टर सब्ट्रैक्ट वी गॉट 27, 271, राइट द पेयर ऑफ 0 एंड 443 प्लस 3 इज 446, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 6, तो 4466 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 26796, एंड ऑल्सो 304 इज लेफ्ट, बट वी हैव टू फाइंड द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस, सो 2.236 इज नॉट कम्प्लीट, बट अप टू 2 डेसिमल प्लेस द अंडर रूट 5 इज 2.23 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो टोटल नंबर, टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड 2025, यू हैव द नंबर ऑफ रो इज एक्स, सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज एक्स अगेन, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू टोटल प्लांट इन ईच रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो, सो इट इज एक्स स्क्वायर। सो नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025, फर्स्ट डिवाइड बाई 3 675, अगेन डिवाइड बाई 3 225, डिवाइड बाई 3 75, डिवाइड बाई 3 25, डिवाइड बाई 5 इज 5, डिवाइड बाई 5 इज 1, दीज आर द प्राइम फैक्टर, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगेन 5 स्क्वायर। सो नाउ द राइट वन पेयर इज 3 मल्टीप्लाई 3 इज 5, सो 45,
So they are the 45 row and each row has 45 plants. Is answer. Question number 5. A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for completion of his task. So student, let the number of rows be x, then the number of columns be also x. So the number of plants is x multiply x, x square. So which is a perfect square? Let us find the square root by 1000 by division method. So we multiply by 3, 9 times, 3 is a 9. After subtract we got 1, right? Next pair of 0. So 3 plus 3 is 6. Now divide by 1, multiply by 1. So 61 multiply 1 is 61, 39 is left. So this show 31 square is less than 1000. So next perfect square number is 32 square is 1024. So hence the minimum number of plant he need more for this 1024 minus 1000 is 24 plants. Question number 6. Student, this is the last question of this worksheet and this chapter also. An army garden, an army general wishing to draw up his 16,160 soldiers in the form of a solid square, found that he had 31 soldiers over. Find the number of soldiers in the first front row. So total number of soldiers is 16,160, number of extra soldiers 31. So number of soldiers in the square is, we subtract 31 from 16,160. So 16,129 soldiers in the square. Therefore, number of soldiers in the front row means square root of 16,129. The pair of number is 2, 2, 1 is left alone. So multiply by, divide by 1, 1 times. So now write the next pair 61. 1 plus 1 is 2. Again multiply by 2. 22 multiply by 2 is 44. Now subtract 17 is left. Now write the next place 29. So again 22 plus 2 is 24 and the multiply by 7. So 247 multiply by 7 is 1729. So 127 is the square root of that number. So number of soldiers in front row is 127. So student, our worksheet 6.8 also done. Next video we will start chapter 7. Thank you.